करो खालिद साहब, आप बताइएगा कि ऑनलाइन क्लासेस से आया कि आप मुत्तफिक हैं कि नहीं, और जो ऑनलाइन पेपर्स होने जा रहे हैं उसकी पॉलिसी से आप मुत्तफिक हैं कि नहीं? जी मीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जहाँ तक आपने सिस्टम की बात की है, सिस्टम को बिल्कुल मैं समझता हूँ ये नाकाम सिस्टम है और ये हमारे मुल्क में ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा कि नफसा नफसी का आलम है, किसी बंदे को कोई परवाह नहीं किसका फ्यूचर दांव पे लग रहा है, किसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, किसके पास फैसिलिटीज़ हैं, किसके पास क्या है, किसको क्या सहूलियात हैं और किसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसको क्या बैरियर्स है, किसी किस्म की किसी किसी बंदे को कोई परवाह नहीं। देखिए मेरे साहब, एक चीज़ मैं आपको इधर मेंशन कर दूं कि जब तक सेमेस्टर ऑफ नहीं होगा तो नेक्स्ट एडमिशन नहीं होंगे। आप मेरे पॉइंट को पिक कीजिएगा, जब तक हमारा सेमेस्टर हमें वो फारग नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट उनका एडमिशन नहीं होगा। अगर नेक्स्ट एडमिशन नहीं होगा भाई जान, पैसा कहाँ से आएगा? ये सारा खेल पैसे का, दौड़ पैसे की है, बिजनेस की है। और बिजनेस में देखें आप, उनको नहीं पता कि स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं। देखें हम उनके साथ सरेआम देखें, हम इस ट्विटर पे यूज़ करते हैं, हर कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं और लोगों को अपने पॉइंट बता रहे हैं। और जहाँ तक आपने मुतालबात की बात की है, देखें मुतालबात कुछ ऐसे हैं। एक चीज़ पॉइंट ऐड कर दूँ कि अगर टीचर के कनेक्शन का इशू होगा तो मेकअप क्लास होगी, अगर स्टूडेंट के इशू होगा तो फिर क्या होगा कि आपके पास लेम एक्सक्यूजेज हैं, आप बहाने बनाते हैं, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, आप फिर भी क्लास नहीं लेते। और हम आपको क्लासेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम आपका वक्त बचा रहे हैं, कल को आपने जॉब्स करनी है। देखें एक बात याद रख लें कि जब आपका CGPA नहीं होगा तो कौन सी जॉब आपको मिलने वाली है, ठीक है। जब आप खेल इस तरह से खेल रहे हैं, देखिए मैं समझता हूँ अगर बंदे का एक पेपर मिस होता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसका CGPA पर असर पड़ेगा। और लेकिन हमारे जहाँ पर हमारे लोग हमें कहते हैं कि देखें जहाँ जिस आपके साथ बहुत इतफाक़ करती है और आपके साथ बहुत लायल है, जो आपका टाइम बचा रही है, देखें हमारे टाइम की बजाय ना हमारे मुस्तकबिल को बचाया जाए तो बेहतर होगा। और जो मुतालबात की बात है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी फीसिस हैं, ठीक है, इसमें हमारी लाइब्रेरी की फ़ीस है, हमारी ट्रांसपोर्ट की है, इसके अलावा बहुत से फंड्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को वापस किए जाएँ, चूँकि COVID-19 की वजह से बहुत से मामला ख़राब हो चुके हैं। देखें हमारे हर तरफ जो मतलब माशी हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके अलावा जो मैं एक मुतालबा अपने तरफ से या अपने जितने भी मेरे लोग दोस्त हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, उसकी तरफ जो अपने मुतालबा रखता हूँ यह है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस से कोई इशू नहीं, इशू हमें है, ठीक है। जो आप बोलते हैं कि हम अपन आपका टाइम बचा जो भी है, चूँकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मसला है तो हम इसको साथ में लेके चल मुतालबा रखता हूँ यह है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस से कोई इशू नहीं, इशू हमें है, ठीक है। जो आप बोलते हैं कि हम अपन आपका टाइम बचा जो भी है, चूँकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मसला है तो हम इसको साथ में लेके चलेंगे, ये हमारा अकेले का मसला नहीं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस को हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है, हम क्लासेस ले लेंगे, हम इंटरनेट से याद कर लेंगे, हम PDF जो भी है हम कर लेंगे, लेकिन हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम नामंजूर है, हम किसी भी सूरत में इस ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देंगे। और अगर हमारी आवाज़ को सुना ना गया और हमारी बातों को सीरियस ना लिया गया तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द रोड पे निकलेंगे और फिज़िकली लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ कौन सी ज्यादती हो रही है। और ये लोग जो नरम सीटों पर बैठ के जो कि हमारे तालीम के फैसले कर रहे हैं, जो जिनको गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हैं, ठीक है, ऊपर बैठ के जो हमारे फैसले कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि जो नीचे गरीब बंदा है जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप भी नहीं है, वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगा। बहुत से मामले आते हैं, देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ऑलरेडी चूँकि डेडलाइन हो चुकी है 12 तारीख की, 12 तारीख के बाद हम अपने शहरों में जितने भी हमारे साथ हमारी ऑडियंस होगी हम ले कर निकलेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। और हम लोगों को बताएंगे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। देखें आपको नहीं पता कि एक बाप, एक मजदूरदार बाप ने किस तरीके से बच्चे को पढ़ा के यूनिवर्सिटी भेजा होता है, ठीक है, तो आप उनके साथ खेल रहे हैं। जी मेरा यू पॉइंट है यही था, मजीद आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।